All right, hi everyone, good morning. Yeah, hi, good morning, Vibhushita. Hi, Shaunak. Hi, Siddharth. Good morning, Natalia. Good morning, Abhilash. Yeah, hi, Agam, good morning. Ha, matlab, we will have classes running every Sunday. आप लोगों का थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ ना बैच. तो अभी थोड़ा सा और चलेगा टिल द टाइम वी आर एबल टू कवर अप टिल जितना फ्लैगशिप वन में हुआ है. ठीक है, सो दैट यू गाइज आर एबल टू यू नो गेट अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ वी हैव टू अप्रोच studying these chapters in physics, chemistry and maths in class 11th and 12th. ठीक है, तो अभी इतना लोड नहीं है इन द सेंस कि आपको मैं ऐसा प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ कि आप लाइक क्लास अटेंड करो ही करो या होमवर्क एग्जैक्टली उसी टाइम पे उसी डेट पे करो ही करो अकॉर्डिंग टू योर कम्फर्ट. क्योंकि आपका प्रायोरिटी अभी बोर्ड्स है ना, दैट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, तो वी आर कीपिंग दैट इन माइंड. हाँ, नाउ फ्रॉम द होमवर्क विच आई हैड गिवन लास्ट टाइम, आई एम श्योर आप लोगों ने देखा होगा एंड आफ्टर लुकिंग एट दोज वीडियोज और दोज क्वेश्चंस आप लोगों को थोड़े डाउट्स भी आए होंगे, राइट? क्योंकि एनर्जी वाला पार्ट हमारा बचा हुआ था अभी बोर्ज मॉडल का. हमने रेडियस एंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला पार्ट डिस्कस कर लिया था, बट एनर्जी के साथ एसोसिएटेड जो पार्ट था वो बचा हुआ है. तो उसमें कुछ क्वेश्चंस एनर्जी से रिलेटेड भी होंगे which you might have not been able to understand or do. But that's okay. Based on today's discussion, you should be able to work on those questions as well. ठीक है, सो हम लोग देखते हैं. एक बार मैं क्विक रिकैप ले लेता हूँ ऑफ what we did in the last class and then we will cover the next set of topics in today's discussion. Now, हाँ, टू आंसर योर डाउट्स, हाँ नतानिया, द वीडियोज विल बी अवेलेबल, आई विल नॉट डिलीट देम. तो आप लोग उनको रेफर कर सकते हो, इट्स नॉट रियली अ प्रॉब्लम. नाउ एज अ क्विक रिकैप ऑफ यू नो व्हाट वी डिड इन द लास्ट क्लास, मैं एक बार आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लेता हूँ. हम लोगों ने लास्ट क्लास में बोर्ज मॉडल ऑफ एटम डिस्कस किया था एंड वी एस्टैब्लिश्ड द बैकग्राउंड बिहाइंड बोर्ज मॉडल ऑफ एटम, दैट हाउ इट वाज अ डेवलपमेंट ओवर रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम एंड हाउ क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओवरकमिंग द ड्रॉबैक्स एसोसिएटेड विद द रदरफोर्ड्स मॉडल विच along with the postulates presented by Niels Bohr helped us develop or help him develop that model of atom. Now I also mentioned the point about the validation of Bohr's model of atom. ठीक है, although मैंने उसको डिटेल में नहीं डिस्कस किया था, मैंने सिर्फ इतना बताया था that ये जो theoretical postulates Niels Bohr ने present किए थे, right, we are going to validate them through this experiment called as atomic spectrum. So pehle main aapko bataunga ki experiment kya tha and then we will go through its details validating Bohr's model ke results. So Bohr model ke postulate hum logo ne detail mein describe kare the in the last class and then we went on in terms of deriving certain results associated with Bohr's model and hum logo ne radius and speed ka result derive kar liya tha. एनर्जी का रिजल्ट वॉज समथिंग विच आई हैड गिवन टू यू, बट इसका डेरिवेशन हम लोगों ने देखा नहीं था. ठीक है, एंड जो डेरिवेशन भी था स्पीड एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट का, दैट वॉज समथिंग विच आई प्रेजेंटेड टू यू विद दीज एस्पेक्ट्स दैट यू नो सर्क्यूलर मोशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो टॉपिक्स हैं जो आप फिजिक्स में पढ़ोगे बाद में, दे विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग दिस डेरिवेशन बेटर. अभी के लिए आई एम जस्ट राइटिंग इक्वेशंस ओवर हियर फॉर नोट कीपिंग पर्पसेस. ठीक है, एंड देन वी सॉल्व कपल ऑफ क्वेश्चन,
based on what results we derived from Bohr's model of atom. Aaj hum log focus karenge on the next important aspect, which is related to the atomic structure. That is, which is related to the Bohr's model, which is the energy of orbital or energy of electron in an orbit. Okay, sometimes it is also referred to as energy of the orbit. So let's start with that discussion. Now, पिछले वाले पार्ट में किसी को कुछ डाउट है, समथिंग कॉन्सेप्चुअल दैट यू वुड वांट टू आस्क और अंडरस्टैंड, तो यू कैन लेट मी नो. ओके, जैसे एक क्वेश्चन है श्रेष्ठ का, बोर्ड सिलेबस आर वी फॉलोइंग. हाँ, सो द थिंग इज दैट आपका जो जेई का सिलेबस है, जेई मेंस का या जेई एडवांस्ड का, इट इज नॉट एज पर एनी बोर्ड. ठीक है, अगर मैं ऑफिशियली बात करूंगा तो इट इज नॉट एज पर एनी बोर्ड, इट डज नॉट अलाइन इटसेल्फ टू एनी बोर्ड. जैसे फॉर एग्जांपल, अभी इस साल सीबीएसई ने अपने सिलेबस में से कुछ चैप्टर्स डिलीट करे थे, राइट? महाराष्ट्र बोर्ड ने भी करे थे, और भी बोर्ड्स ने, लाइक दे कर्टेल्ड द सिलेबस. हाउएवर, जो जेई मेंस का एग्जाम हुआ, जेई एडवांस का होने वाला है, उसमें वी फाउंड आउट दैट क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम इवन चैप्टर्स दैट वर डिलीटेड फ्रॉम बोर्ड्स के सिलेबस. सो जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है NTA, विच कंडक्ट्स जेई मेन एग्जामिनेशन, एंड द IIT काउंसिल विच विल बी कंडक्टिंग जेई एडवांस एग्जामिनेशन, दे आर नॉट अलाइंड टू एनी बोर्ड इन पर्टिकुलर. हाँ, अब ऐसा होता है कि जब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग NCERT की टेक्स्ट बुक्स रेफर कर लेते हैं. मतलब जनरली, जैसे आप नोटिस करोगे आगे भी केमिस्ट्री में, जब आपको कुछ थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे, तो उसमें NCERT का जो टेक्स्ट बुक है उससे कई चीजें रेफर करी जाती हैं. ठीक है, हाँ बोलो अक्षत. तो जो रिडबर्ग्स कांस्टेंट होता है, उसमें मेनी पीपल टेक -13.6 और या फिर जूल्स में होना चाहिए द वैल्यू ऑफ द एनर्जी. मतलब ये तो आपका कॉल है ना, आपको किस यूनिट्स में सॉल्व करना है. यस सर, बट रिडबर्ग्स कांस्टेंट का जो वैल्यू आता है सर, वो जूल्स में आता है. और मैंने देखा है लाइक मेनी पीपल कन्वर्ट द वैल्यू इन इलेक्ट्रोवोल्ट्स ओनली, लाइक इन -13.6. मैं तो इनफैक्ट जो रिडबर्ग कांस्टेंट आपको लिखाने वाला हूँ, वो मैं सेंटीमीटर इनवर्स की यूनिट में लिखाने वाला हूँ. अच्छा, सो दैट इज समथिंग व्हिच डिपेंड्स ऑन हाउ यू वांट टू सॉल्व क्वेश्चंस. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट एस्पेक्ट. टेक्निकली रिडबर्ग कांस्टेंट वाज, जब ओरिजिनली डिफाइन करा था, वाज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, एंड उसके डायमेंशन जो है वो उसी हिसाब से, एनर्जी के डायमेंशन के हिसाब से अलाइन किए हुए थे. बट जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आई विल सिंप्लीफाई दैट यू नो फॉर्मूला एंड गिव यू द रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू इन सेंटीमीटर और मीटर इनवर्स. ओके, अंडरस्टूड सर. ठीक है, हाँ, हम लोग आज बात करेंगे, हम लोग आज सारे क्वेश्चंस जो आपको आ रहे हैं ना, डाउट्स, एक्साइटेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, राइट, ये सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. हाँ हाँ, नहीं आ जाएगा यश, डोंट वरी, यू शुड बी एबल टू कैच अप, इट इजंट अ बिग थिंग. All right, so let's begin our discussion with the next important result in Bohr's model, that is the energy of electron in nth orbit. So as you know, the total energy can be written as the sum of kinetic energy and potential energy. The kinetic energy associated with electron is because of its motion. It is moving around the nucleus. Then potential energy kaun sa hai? That we are talking about over here. So, यहाँ पे आप notice करना, it is the electrostatic potential energy, the interaction between the two opposite charges, nucleus का positive charge and electron का negative charge, उसकी वजह से
there is this electrostatic potential energy associated with electron. Now, when we write the formulas associated with them, so kinetic energy ka formula half mv square rehta hai. This is something which you all are very comfortable with. Potential energy ka formula, electrostatic potential energy ka formula isn't something which you guys are again aware about. Reason being that aapne electrostatics chapter padha nahi hai. ठीक है, बट जैसे आपने ग्रेविटेशनल फोर्स का या ग्रेविटेशन का चैप्टर पढ़ा हुआ है तो उसमें भी आपने नोटिस किया होगा दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करी जाती है. उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो यू विल कम अक्रॉस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो एंड उसके एसोसिएटेड फॉर्मूला कैसा रहता है दैट वेन यू हैव अ चार्ज क्यू वन एंड अ चार्ज क्यू टू एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम ईच अदर. राइट, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था दैट जो फोर्स रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसका फॉर्मूला क्या था के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, दैट वाज द फॉर्मूला दैट वी हैड डिस्कस इन द लास्ट क्लास. नाउ टुडे आई एम ऑल्सो डिस्क्राइबिंग यू द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, यही सेम सिस्टम है, दो चार्ज है क्यू वन क्यू टू एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम ईच अदर. The potential energy associated is written by K Q1 Q2 by R. ठीक है, although एक negative का sign भी आता है but वो अभी मैं यहाँ पे use नहीं कर रहा हूँ because we don't want to get into the details of all those sign conventions and all. हम लोग simply ये formula use करेंगे यहाँ पर. Q1 will be the charge of the nucleus which is Z times E and Q2 will be the charge of electron. राइट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना रहता है माइनस ई. नाउ आफ्टर गेटिंग दीज एक्सप्रेशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी व्हाट वी डू नेक्स्ट इज वी सब्स्टिट्यूट द रिजल्ट्स ऑफ वी एंड आर व्हिच वी डिराइव्ड इन द लास्ट क्लास. ठीक है, हम लोगों ने लाइक जो एक्सप्रेशन डिराइव किया था लास्ट क्लास में वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. अब I am not showing the steps to you. ठीक है, I am not showing those steps to you. आप मान के चलो कि मैंने वो V का expression और R का expression यहाँ पे substitute कर दिया. ठीक है, no need to look at all those steps. However, what is interesting, ठीक है, when you after substituting, when you see the expression of total energy, you see some interesting observations. What are those interesting observations? This was the kinetic energy term, right? This part was the kinetic energy term, and this part was the potential energy term. If you will notice, their expression are quite similar, and as a consequence, जो ये total energy का term आ रहा है, उसके expressions भी काफी सिमिलर से हैं. तो इससे हम ये एक रिलेशनशिप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं. ठीक है, इफ यू विल नोटिस यहाँ पे ये टू टाइम्स दिस एक्सप्रेशन है, ये माइनस फोर टाइम्स दिस एक्सप्रेशन है एंड टोटल एनर्जी माइनस टू टाइम्स दिस एक्सप्रेशन है. तो यू कैन एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी फॉर आर बोर्स मॉडल. ठीक है, फॉर आर बोर्स एटम उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के बारे में बात करें तो वो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी है वो आपस में इस तरीके से रिलेटेड रहेंगी. ठीक है, दिस इज समथिंग व्हिच आई वुड वांट यू टू रिमेंबर. ठीक है, आई वुड नॉट वांट यू टू रिमेंबर दीज लेंदी एक्सप्रेशंस, नो नीड टू गेट इनटू मगिंग देम अप, जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस ऑब्जर्वेशन ऑन द राइट हैंड साइड दैट हाउ द टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर रिलेटेड टू ईच अदर. राइट, अब आप यहां पे नोटिस करोगे आफ्टर गेटिंग दिस एक्सप्रेशन वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. ठीक है, पाई का वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू, के का, ई का, एच का, लाइक हाउ वी डिड इन द लास्ट क्लास. ठीक है, हाउ वी रिमेम्बर्ड कि यू नो हमने को ये सब वैल्यूज जो कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है, इन सबका एक्सप्रेशन, इन सबका वैल्यूज पुट करा था एंड वी रिमेम्बर्ड अ सिंप्लीफाइड फॉर्मूला. सो दिस इज दैट सिंप्लीफाइड फॉर्मूला विच आई वुड वॉन्ट यू देन नाउ रिमेम्बर दैट the total energy associated with an electron in Bohr's model
is minus 13.6 z square by n square in the units of eV, electron volt. This is the total energy associated. Agar mujhe kinetic energy likhna hai, theek hai, what would be the kinetic energy of electron in nth orbit? My answer would be plus 13.6 into z square by n square in the units of eV. Why? Because you can see the relationship. Ye total energy ka expression tha, minus 2 something something, and kinetic energy ka expression hai 2 times something something. Theek hai? So I would want you to remember this result rather than the upar ka lengthy expression. Theek hai? All right. Now, अब आप ऑब्जर्व करना, देर इज अ वेरी ऑब्वियस डाउट दैट कम्स टू द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स दैट यू नो व्हाट इज दिस नेगेटिव साइन. ठीक है, व्हाट डज दिस नेगेटिव साइन ओवर हियर मीन? इज देर समथिंग कॉल्ड एज नेगेटिव एनर्जी, लाइक हाउ टू इंटरप्रेट इट? तो यहां पे आप नोटिस करोगे दैट ये नेगेटिव साइन क्यों आता है. नाउ if I go back to the derivation and talk about the total energy, it is sum of kinetic energy and potential energy, right? The thing is that kinetic energy is always positive. Okay, it is zero or greater than zero. Kinetic energy kabhi negative nahi hoti hai. We never ever describe that kinetic energy is negative. Potential energy on the other scale, like potential energy, if you guys have studied in your junior classes and aapne thoda dhyan diya hoga, theek hai, potential energy ki values are defined as per a reference. Theek hai, they are always reference based. Jaise aapko gravitational potential energy ka yaad hoga, to gravitational potential energy mein kaisa rehta hai? If you remember, hum log aise kisi ek particular height ko reference assign kar dete hain aur uske upar अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो उसको पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी देते हैं, उसके नीचे अगर ऑब्जेक्ट है तो उसको नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी देते हैं, राइट? तो जो पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स होते हैं ये सब रेफरेंस बेस्ड रहते हैं. तो यहाँ पर इट इज बिकॉज ऑफ दैट पोटेंशियल एनर्जी का टर्म, वी व्हेन गो थ्रू द डेरिवेशन वी फाइंड आउट दैट द टोटल एनर्जी इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव. नाउ व्हाट डज दिस नेगेटिव साइन सिग्निफाई? ठीक है, क्यों ये नेगेटिव साइन आया वो तो समझ में आया ही सही, बट अब जब आ गया है यहाँ पे तो ये सिग्निफाई क्या कर रहा है? तो उसके लिए आप यहाँ पे नोटिस करना, दिस नेगेटिव साइन सिग्निफाइज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस. ऑपोजिट चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है एंड न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स को ये सिग्निफाई करता है हमारा नेगेटिव साइन. कैसे? आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो दैट इफ आई हैव द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, व्हाट विल बी द एनर्जी एसोसिएटेड विद इट? आई विल यूज द फॉर्मूला माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर. आई विल पुट द वैल्यू ऑफ जेड एज वन. व्हाई? बिकॉज ये हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर वन होता है, ठीक है, एंड फर्स्ट ऑर्बिट तो n का वैल्यू 1 मैंने पुट कर दिया, तो मेरा आंसर आया माइनस 13.6 eV. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉन फार फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है, फार फार अवे, लाइक ये डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, सो द इलेक्ट्रॉन इज से ऑलमोस्ट आउटसाइड द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस, राइट, इट इज फार फार अवे. तो अगर मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये जो मैंने एन का वैल्यू डालना है, इफ आई पुट दैट एज अ लार्ज वैल्यू, देन माय एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन अप्रोचेस जीरो, राइट, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन अप्रोचेस जीरो इफ एन इज टेकन टू बी लार्ज वैल्यू. नाउ कैन यू नाउ नोटिस, ठीक है, व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी? चेंज, लाइक ये मैंने आपको पहले भी बताया है दैट चेंज is, ये जो डेल्टा हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इज ऑलवेज रिटन एज फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, चेंज
is always written as final minus initial. Final was 0 and initial was minus 13.6. Right? So, yahan pe aapko samajh mein aaya that the change comes out to be plus 13.6 EV. Which means, what does this plus sign mean? This plus sign means that energy is absorbed during this change. Or work needs to be done in order to remove the electron. Right? We have the electron in the first orbit around the nucleus and we want to take it outside the atom, far, far away from it. So, abhi kya karna padega? Hame energy supply karni padegi. Hame work karna padega. We need to do work to remove that electron. So, it is signifying the attractive nature between these opposite charges. The negative sign is doing that. ठीक है, सो ये नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस समझ में आया. हाँ, एक एक करके डाउट भी पूछो. बोलो तनिष सर, कैन यू प्लीज स्क्रॉल अप अ बिट. हाँ यस सर. सर, कैन यू टेल हाउ दैट n when n becomes infinity electron volts become zero. Energy का ये फॉर्मूला हमने देखा ना यहाँ पर, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, राइट? तो डिनोमिनेटर में एन है. अगर मैं डिनोमिनेटर की वैल्यू को बहुत बड़ा बना दूंगा तो ओवरऑल ये वैल्यू ओके सर छोटी हो जाएगी. यस सर अप्रोक्सीमेटली इट विल बिकम जीरो. हाँ, तो इससे मैंने यहाँ पे अप्रोच का साइन लिखा है. ओके सर. अप्रोच इज जीरो. यस सर. अंडरस्टैंडिंग ऑफ चेंज, we understand that change is final minus initial and then get the answer. Yes sir, thank you. ठीक. Now, okay, so there is a doubt coming from Rishabh. Rishabh, I think हो सकता है आपका पहला class है, but ये notes मैं आप लोगों के साथ में after class share करूँगा. ठीक है. So अभी you don't need to worry about that मेरा copy हुआ है कि नहीं हुआ है. You need to really focus on the screen and understand the concepts. बीच बीच में आप स्क्रिबल करते रहो, like the formulas etc. which I am asking you, क्योंकि मैं अभी questions कराऊंगा तो उसमें ये formula use होगा ना. तो आप ये चीज़ लिख ली और फिर questions कराऊंगा तो उसमें काम आ जाएगा. ठीक है, but proper notes मैं आपको after class send कर दूंगा. All right. Now, हाँ बोलो अक्षित. So, so basically the energy minus 14.6 is the energy अगर हम इलेक्ट्रॉन को देंगे, so it will basically jump the shell, right? It will come out of the atom itself, ionize हो जाए. Oh, okay. So अगर हम लोग second shell की बात करेंगे, तो second shell की energy है, I think minus 13.4. नहीं नहीं minus 3.4. मैं आता हूँ उसपे. I am going. Sorry, minus 3.4. Sorry, minus 3.4. हाँ. So if we give the second shell में इतनी energy देंगे, so it will come out of the atom. Correct. वो मैं अभी वही करूँगा. Oh, understand. We'll come to that in a while. ठीक है. अच्छा, इतना part आप लोगों को समझ में आया? Energy associated with electron. The result. ठीक. अब नोटिस करना, आफ्टर गेटिंग दिस रिजल्ट आई वांटेड टू हाईलाइट वन मोर नोट. ठीक है, दिस इज समथिंग जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा. ठीक है, अब अभी के लिए, ठीक है, ये नोट मैंने यहां पर रखा हुआ है, बट हम लोग इसमें जाएंगे नहीं right now because I would need you to understand the concept of spectrum in the next class and then I will come back to this concept. ठीक है, अभी के लिए जस्ट यहाँ पे notes में मैं इसको रखे रहने दे रहा हूँ. I will come back to it once we discuss that concept of spectrum. So this is something which is more relevant from JEE advanced perspective, not required for like बोर्ड्स का डिस्कशन और इवन जेई मेंस का डिस्कशन. ठीक है, तो वो क्या रहेगा,
वो मैं आपको समझाता हूँ. जेडीएलई बुक का नाम है, लाइक इट इज अ बुक दैट यू रेफर क्वाइट ऑफन इन क्लास 11th, एंड उसमें ये कॉन्सेप्ट है कि एक न्यूट्रॉन से क्या फर्क पड़ेगा व्हेन वी आर डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. ठीक है, जैसे हाइड्रोजन में तो कैसा था, ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये भी ड्यूटेरियम भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो दोनों पे बोर्स मॉडल एप्लीकेबल है. बट अंतर क्या है, एक में सिर्फ प्रोटॉन है और एक में न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है. अब न्यूट्रॉन का चार्ज तो नहीं है, राइट, न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल स्पीशीज, बट दैट डज प्ले अ रोल. एंड हाउ इट प्लेज अ रोल, वो एक फाइनर डिटेल है विच इज रेलिवेंट फ्रॉम जे एडवांस पर्सपेक्टिव, वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा, बट नॉट राइट नाउ. वंस वी आर डन विद द स्पेक्ट्रम देन आई विल कम टू दैट. ठीक है, अभी के लिए आई विल स्किप दैट पार्ट एंड I will talk about the result that we got just now. Okay, the result that we got related to the energy of electron in nth orbit, or you can say energy of the orbit, helps us to understand how the values are varying from one orbit to the other. So, आप notice करोगे यहाँ पे right hand side पे, if you focus over here. The first orbit का energy was -13.6 eV hydrogen atom के लिए, like you put the value of Z as 1 and N as 1. If I ask you to calculate the value of the second orbit, ठीक है, N equal to 2 के लिए, तो आप क्या करोगे, इसी formula में you will simply put the value of Z as 1, क्योंकि हम hydrogen atom की बात कर रहे हैं, and you will put N as 2. तो you will get the answer as -3.4 eV. Then, if I ask you for the third orbit, you again substitute the value and you get the answer to be -1.5. N is equal to 4 डालोगे, तो आपका answer ये -0.85 आ जाएगा. ठीक है? No need to remember these values right away. ठीक है? I'm just making you realize some finer details. Now, what are those finer details? यहाँ पे आप notice करना. As you can see, we are moving away from the nucleus. हम लोग n equal to 1 से n equal to 2 जा रहे हैं, 2 से 3 जा रहे हैं. तो what is the order of energy? ये हम लोगों ने last class में discuss किया था. If I call this as E1, energy of the first orbit, I call this as E2, I call this as E3, right? So what is the order that you are getting? Are you seeing the fact जो हम लोगों ने last class में notice किया था, higher orbit has higher energy, lower orbit has lower energy. ठीक है, sign के साथ में discuss कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, please understand this is with sign. Sign का importance है, don't just ignore the sign. -13.6 is lower energy as compared to -3.4. -3.4 is lower energy as compared to -1.5. Right? So what we are seeing is that as we are moving away from the nucleus, energy increases. Okay, that is one important observation. The second important observation, yahan pe aap notice karna, is related to the energy gaps. Okay, these are quite important. Yahan pe aap notice karna, energy gap kaisa ho raha hai. Between the first and the second orbit, you see the energy gap was a significant one, a large one, 10.2 eV. Between the second and the third, okay, if you subtract these values, you will get the answer as 1.9 eV. And if you keep on doing this exercise, what you will find is that the energy gap between successive orbits is decreasing. The energy gap between successive orbits is decreasing as we are moving away from the nucleus. Now, this is something which I would also want you to contrast with the results that we got for the radius of the orbit. Okay? The radius was something which was proportional to n square by z. Okay? Its exact formula, if you remember, r was equal to
0.529 into n square by z in the units of angstrom. ठीक है. So as n increased, the radius of the orbit also increased, which was fairly obvious. But if you look at the gap, तो ये कैसा लगेगा आपको यहाँ पे clearly observe कैसे होगा? अगर मैं first orbit का radius x बोलता हूँ, तो second orbit का radius 4x रहेगा, third orbit का radius 9x रहेगा. So can you see the gap, the distance between these orbits? That between the first and the second was 3x. Between the second and the third is 5x. So you can see that the distance gap between the successive orbits, that is increasing. However, the energy gap between successive orbits is decreasing. ठीक है, so your observation clear है आप लोगों को? Now, अब इसमें आप नोटिस करना, हाँ कुछ क्वेश्चन है तब में आपका. Tell me. सर वो जो एनर्जी वाला है ना, उसमें का फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कैसे आया? एनर्जी इंक्रीज कर रहा है विद साइन. आप यहाँ पे नोटिस करो ना, -13.6 और -3.4 में क्या बढ़ा है? -3.4. That's it. As we move away from the nucleus, energy is increased. Yes, sir. हाँ, ये minus sign क्या denote कर रहा है? The minus sign denotes the attractive nature or attractive force between electron and nucleus. ठीक है, so that minus sign is indicating that attractive nature. मतलब अगर आपको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो आपको वर्क करना पड़ेगा. यू विल हैव टू सप्लाई एनर्जी, यू विल हैव टू डू वर्क टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द एटम. ठीक है. नाउ अब इस पे क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग. ठीक है, एनर्जी का रिजल्ट हम लोगों ने निकाला एंड इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन लाइक द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर समथिंग इन विच आई कैन आस्क यू कि यू नो जस्ट पुट द डेटा इन दिस फॉर्मूला एंड गेट द आंसर. ठीक है, दैट इज द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट आई कैन आस्क यू. अब थोड़ा सा उसमें थोड़ा और भी वेरिएशंस आते हैं, लाइक यू आर आस्क्ड क्वेश्चन समटाइम्स ओवर एंड अबव जस्ट पुटिंग डेटा इन द फॉर्मूला. तो उसमें लैंग्वेज ऑफ द ऑफ द क्वेश्चन इज समथिंग विच plays an important trick. That is something which you'll have to comprehend really well. Let me show you an example of that. ठीक है, let me just give me one moment. I will just remove the answer and then we'll discuss. ठीक है, हाँ इस question का answer आप बताओ मुझे and डोंट ट्राई टू आंसर इट ऐसे हवा में. ठीक है, पेन चलाओ, राइट डाउन वॉट एवर फॉर्मूलाज दैट यू हैव जस्ट स्टडीड एंड अप्लाई देम केयरफुली, क्योंकि आई एम अप फ्रंट टेलिंग यू दिस दैट इसमें ऑप्शंस इस तरीके से डिजाइन करे हुए हैं दैट यू माइट एंड अप गिविंग अ रॉन्ग आंसर. सो ध्यान से एक बार क्वेश्चन पढ़ो और ट्राई करो. हाँ, मैं एक बार फॉर्मूलाज भी आपको दिखा देता हूँ. हाँ, राघव मनन आपने गलत आंसर दिया है, नतानिया आपने करेक्ट दिया है, शौनक आपने भी गड़बड़ दे दिया, आपने वही केयरलेस मिस्टेक कर दी. हाँ, फॉर्मूलाज एक बार देख लो. यहाँ पर दीज वर द की फॉर्मूलाज. एक तो एनर्जी का फॉर्मूला था, ठीक है, और you can also see the formula over here which relates total energy with kinetic energy and potential energy. ठीक है, signs are very important, you can't afford to take the signs for granted. And one of the
other important thing which is going to be used in the question is this convention. Okay, change is always final minus initial. Okay, this is something which I would be stressing time and again. Change is always final minus initial. That's the convention. Now I'll come back to the question again. तो अब आपको आंसर करना है. हाँ, अब आप लोगों के सही आंसर आ रहे हैं कुछ कुछ. Still some students are reporting incorrect answers. Okay, so the correct answer is option A, plus 3/2x. Now that I have given the answer, I will request the students जिनका ये answer नहीं match करा है, आप अपनी careless mistake identify करना कहाँ पर हुई है. ठीक है. So these were the formulas that we were supposed to use. टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का. नाउ अब नोटिस करना, इनिशियल सिचुएशन में, ठीक है, यहाँ पर इनिशियल जो दिया हुआ है, आपको बोला जा रहा है दैट द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी x टू x बाय 4, एंड देन आपसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा जा रहा है, राइट. सो आई वुड यूज द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, राइट. तो यहाँ से I got to know, ठीक है, या फिर जो मैंने ऊपर results use करे थे, मैं directly उनको एक को यहाँ पे use कर लेता हूँ, that potential energy, ठीक है, was minus 2 times the kinetic energy, ठीक है, ये हम लोगों ने ऊपर से रिजल्ट निकाला था. तो अगर मेरा इनिशियली काइनेटिक एनर्जी x है, तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, माइनस टू एक्स, ठीक है. फाइनली मेरा काइनेटिक एनर्जी अगर x बाय 4 है, तो व्हाट विल बी माय पोटेंशियल एनर्जी, इट विल बी माइनस x बाय 2. नाउ इफ आई लुक एट चेंज, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, आई विल गेट द आंसर माइनस x बाय 2, दैट इज द फाइनल, माइनस व्हाट इज इनिशियल, माइनस 2x. And that when you substitute, you will get the answer as plus 3x by 2. ठीक है? So, एक अच्छा question है. It is a question which helps you realize the importance of sign and how to write change. ठीक है? All right. अब मैं कुछ value based questions भी आपसे पूछ लेता हूँ. So, let's say if I ask you this question, determine the maximum wavelength in angstrom of the photon required to eject the electron out of hydrogen atom. ठीक है, hydrogen atom में जो electron present है, उसको हमें eject करना है. तो उसके लिए maximum कितना wavelength का photon required होगा? And I would also want you to elaborate that why the word max has been used over here. हाँ, बोलो मनन, आपका क्या डाउट था? सर मुझे पूछना था. हाँ सर, ऊपर ऊपर वाले क्वेश्चन में मेरे पास एक और सर, हम इसमें एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं ना, फॉर एग्जांपल इनिशियल मतलब टोटल एनर्जी हमारे पास है x plus p initial, और final energy होगी x by 4 plus p final, और ये दोनों equal होंगे. सर ऐसे तो 3x by 4 आएगा आंसर, ऐसे तो energy conservation law वो हो रहा है ना सर, मतलब deny हो रहा है यहाँ पे. नहीं 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 नहीं, तो okay, ऐसा थोड़ा ना है कि जो energy in initial state है वो energy in final state होगी. सर total energy तो conserved रहेगी ना. अरे बट उसमें आपने फोटोन की एनर्जी नहीं अकाउंट में ली ना, जब इलेक्ट्रॉन ये किसी n1 से n2 में जाता है, तो वो फोटोन को अब्सॉर्ब करके जाता है,
तो उसमें आपको लेना पड़ेगा दैट फोटोन का एनर्जी प्लस इनिशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू द फाइनल एनर्जी, और यू कैन से एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी ई ऑफ एन टू माइनस ई ऑफ एन वन. समझ में आया? ओके 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 सर, ओके सर, हाँ सर, क्लियर है. सिर्फ फोटोन की एनर्जी काउंट में नहीं. यहाँ पे दिया नहीं है ना उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, तो अच्छा ओके सर, ओके हम लोग उसको नहीं यूज कर रहे हैं. अब जैसे यहां पर वो चीज काम आएगी जो अभी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया. हाँ, आकाश आप लिख सकते हो क्योंकि दोनों लीनियरली रिलेटेड थे ना. When they are linearly related, then you can write that. हाँ, करेक्ट अंशु, करेक्ट लक्ष्मी, करेक्ट मनन. हाँ, सो इसमें कैसा होगा, अब आप इसको इलाबोरेट वे में समझोगे तो कैसा है दैट अभी इलेक्ट्रॉन एन इक्वल टू वन ऑर्बिट में था और उसको आउट ऑफ एटम लेके जाना है, मतलब एन इक्वल टू इंफिनिटी या इक्वल टू जीरो पे लेके जाना है. ठीक है, मतलब दिस इज व्हाट आई वाज ड्राइंग कि ये एन इक्वल टू वन के अंदर इलेक्ट्रॉन है, अब फोटॉन आएगा उससे एनर्जी देगा एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस द इलेक्ट्रॉन विल जंप आउट ऑफ द एटम. ठीक है, इट विल गो टू सम फार फार अवे प्लेस विच इज नॉट रियली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस. राइट, तो जो एनर्जी ऑफ फोटॉन रहेगा वो कैसा रहेगा, इट विल बी इक्वल टू द चेंज इन द एनर्जी दैट हैपेंड. चेंज विल बी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल इज जीरो, राइट, एंड इनिशियल वॉज -13.6. सो यू गेट द आंसर दैट एनर्जी ऑफ फोटॉन रिक्वायर्ड विल बी 13.6 eV. राइट, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस अब आप ये एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला यूज कर सकते हो सिंप्लीफाइड वाला, दैट रादर देन राइटिंग इट एज एच सी बाय लैम्डा यू कैन राइट इट एज 1,24,00 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, क्योंकि अपन यहाँ पे ईवी की यूनिट्स में कैलकुलेशन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की, तो दैट मेक्स योर कैलकुलेशन अ बिट इजियर एंड फ्रॉम हेयर यू गेट द आंसर. नाउ अब यहाँ पे नोटिस करना, मैंने आपसे पूछा था दैट व्हाई वाज द वर्ड मैक्स यूज्ड ओवर हियर, कैन एनीवन एक्सप्लेन दैट? हाँ बोलो मनन. सर एक्सप्लेन कर सकता हूँ सर, इसके अंदर एक्चुअली सर, अगर उसको, अगर जो इलेक्ट्रॉन है उससे अगर हम ज्यादा एनर्जी देंगे तो जब भी वो इजेक्ट हो ही जाएगा. राइट राइट, सो द सर अगर इसमें अगर लैम्डा को हम थोड़ा कम रखेंगे हाँ सर, उसे क्योंकि एच सी लैम्डा होती है ना सर एनर्जी, हाँ लैम्डा अगर कम रखेंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, तो राइट, इसका मतलब इससे कम लैम्डा के अंदर भी हमारे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होएगा, बट अगर इससे ज्यादा लैम्डा होएगा तो फिर उसके अंदर पाएगा क्योंकि एनर्जी कम हो जाएगी. हाँ ठीक है, करेक्ट. सो द थिंग इज दैट दिस एनर्जी दैट वी हैव कैलकुलेटेड ओवर हेयर, ठीक है, दिस इज यू कैन से द मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन. इतनी कम से कम एनर्जी तो लगेगी सही टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, एंड एनर्जी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इच अदर, तो मिनिमम एनर्जी मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ. अगर मैं इससे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर देता तो क्या होता, अगर मैं इससे ज्यादा एनर्जी का फोटोन या इससे कम वेवलेंथ का फोटोन यूज करता तो व्हाट वुड हैव हैपेंड? हाँ बोलो लक्ष्मी. सर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन वुड हैव इंक्रीज्ड. करेक्ट, तो व्हाट वी स्टडीड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दैट द एक्स्ट्रा एनर्जी वुड हैव बीन इम्पार्टेड टू द इलेक्ट्रॉन एज इट्स काइनेटिक एनर्जी. Correct. This is what we studied in photoelectric effect as well. ठीक है. अगर मैं
कम एनर्जी सप्लाई करता, ठीक है, अगर मैं ज्यादा वेवलेंथ का फोटोन सप्लाई करता, देन देर आर टू पॉसिबिलिटीज दैट वुड हैव हैपेंड, वो मैं थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ में, ठीक है, वो एक क्वेश्चन दिमाग में रखते हैं, वी विल डिस्कस दैट। अगर मैं कम ज्यादा वेवलेंथ का फोटोन इस्तेमाल करता, कम एनर्जी का, मैक्स इज, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, द वर्ड मैक्स वॉज यूज ओवर हेयर बिकॉज दिस एनर्जी दैट वी हैव कैलकुलेटेड, दैट हाउ मच ऑफ द एनर्जी ऑफ फोटोन दैट इज रिक्वायर्ड इज द मिनिमम एनर्जी, कि इतनी तो लगेगी सही आपको, n इज इक्वल टू वन से n इक्वल टू इन्फिनिटी ले जाना है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, तो मिनिमम कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, दैट इज वॉट वी हैव कैलकुलेटेड। एंड सिंस एनर्जी एंड वेवलेंथ, एनर्जी ऑफ फोटोन एंड इट्स वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो दिस करस्पॉन्ड्स टू लैम्डा मैक्स। समझ में आया, ठीक है, दिस इज द मिनिमम एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस दिस इज द मैक्सिमम, ठीक है, ऑलराइट। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो ऑन द सेम लाइन्स दैट वी जस्ट ऑब्जर्व्ड। हाँ राइट, तन्ने आपने सही नोटिस करा है, हाँ वरुण मनन आप दोनों के आंसर करेक्ट है। राइट आकाश, राइट तनीश, अच्छा एक चीज और मैं डिस्कस करना चाहूंगा, आई वुड वॉन्ट टू ऑल्सो कम्युनिकेट वन मैसेज टू द स्टूडेंट्स ओवर हेयर दैट सी सम ऑफ यू माइट बी फीलिंग और यू नो सम ऑफ यू माइट बी ओवरवेल्म्ड बाय द फैक्ट दैट यू नो हम लोग तो क्वेश्चन पूरा रीड ही नहीं कर पा रहे हैं और उसके पहले ही कुछ स्टूडेंट्स आंसर दे दे रहे हैं, तो इज इट समथिंग विच इज अ यू नो वरिंग थिंग दैट यू नो मैं तो क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ पूरा, मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ और उसके पहले लोगों ने आंसर देना शुरू कर दिया। नाउ स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम रहता है, ठीक है, दैट इज द रीजन वाई यू गाइज हैव इनरोल्ड इन दिस प्रोग्राम। नाउ मेनी स्टूडेंट्स हु आर गिविंग एन आंसर टू मी अप फ्रंट, जो जल्दी आंसर दे रहे हैं, उनमें से कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ये चैप्टर एक बार पहले देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है टू सम एक्सटेंट, मे बी नॉट एज मच डेप्थ एज वी आर गोइंग राइट नाउ, बट उन्होंने ये चीज पढ़ी हुई है, सो सम ऑफ दो स्टूडेंट्स आर एबल टू गिव द आंसर अ बिट फास्टर एंड अ बिट मोर एक्यूरेटली। फॉर स्टूडेंट्स हु आर डूइंग द चैप्टर फॉर द फर्स्ट टाइम माइट नॉट हैव, ठीक है, सम ऑफ यू स्टिल वुड हैव, लाइक कुछ बच्चे होते हैं जो कि जनरली फास्ट लर्नर्स होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द किड्स रिक्वायर देयर टाइम एंड प्रैक्टिस टू कम अप टू द सेम लेवल। तो इफ यू आर गेटिंग ओवरवेल्म्ड बाय दिस फैक्ट कि मैं तो क्वेश्चन कर ही नहीं पाया, बाकी लोगों ने आंसर दे दिया, सो प्लीज बी अश्योर्ड ऑफ दिस दैट दिस यू नो गैप रिमेन्स फॉर अ इनिशियल पीरियड, आप मान लो महीना, दो महीना, तीन महीना टाइप्स रहता है ये गैप, बट उसके बाद दिस गैप स्टार्ट्स टू फेड अवे। आप लोगों को ये गैप अभी फील हो रहा है, अब आप जब
देखोगे बाद में आफ्टर बोर्ड एग्जाम्स जो बच्चे और ज्वाइन करेंगे उनको ये गैप आपसे ज्यादा फील होगा. सो दिस पार्ट ऑफ ईजिंग दिस गैप इज वॉट इज द मेन पर्पज ऑफ दिस बैच, दैट यू गेट एक्सपोज टू द बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अराउंड यू एंड अंडरस्टैंड यू नो द बेंचमार्क्स एट विच दे आर ऑपरेटिंग एंड टेक दैट इन अ पॉजिटिव सेंस. ठीक है, डोंट ट्राई टू टेक दिस इन अ नेगेटिव कॉनोटेशन कि अरे मुझसे तो हुआ ही नहीं, बाकी लोगों ने आंसर कर दिया. दिस इज समथिंग फॉर यू टू देन ग्रूम योर सेल्फ. जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हो आप ग्रो नहीं करते हो. दैट इज अ वेरी सिंपल ऑब्जर्वेशन दैट वी सी इन द यूनिवर्स. इफ यू स्टे इन योर कंफर्ट जोन तो फिर आप मेहनत ही नहीं करोगे, आप ग्रो ही नहीं करोगे. ठीक है, सो आई होप एवरीवन इज टेकिंग दैट ऑन अ पॉजिटिव नोट. नाउ कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, द अप्रोच इज सेम जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज करा, राइट. एन इक्वल टू वन, दैट इज द इनिशियल स्टेट. यहां से हम एन इक्वल टू टू पे जा रहे हैं विच इज द फाइनल स्टेट. एंड अभी ऊपर मैंने कैलकुलेशंस करके दिखाए थे आपको, राइट, दैट इसका एनर्जी वॉज माइनस 13.6 ईवी और इसका माइनस 3.4 ईवी. ठीक है, हो सकता है आप भूल भी गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है. You could have still written this as minus 13.6 into 1 square upon 2 square. ठीक है, this will be E2 and this would have been E1. Minus 13.6 into 1 square upon 1 square. Right? तो ये आपका बन जाता ऐसा, 13.6 common आ जाता and ये 1 minus 1 by 4 ये आपका 3 by 4 बन जाता. ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करते तो आपका ये आंसर आता 10.2 ईवी. एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द फोटोन. लाइक इतनी एनर्जी का फोटोन स्ट्राइक करेगा तो ये मेरा इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, वो एन इक्वल टू वन से एन इक्वल टू टू में एक्साइट हो जाएगा. ठीक है, नोट द वर्ड एक्साइट. यू सब्स्टिट्यूट द फॉर्मूला एंड विल गेट द आंसर एज 1215 एंगस्ट्रॉम और समथिंग वेरी क्लोज टू दैट. ठीक है, सो मोस्ट ऑफ यू हैव गॉट दैट आंसर. किसी का आंसर इसका आधा आ गया है शायद, या कुछ कैलकुलेशन में एरर हो गया है, तो आप आइडेंटिफाई करना कहाँ पे गड़बड़ हुआ. ठीक है, हाँ 1215 आ रहा है क्या, 12400 अपॉन 10.2 नहीं 1215 ही आएगा ना, 12400 होता है, 12400 डिवाइड बाय 10.2 विल बी 1215 ओनली और क्लोज टू दैट. ठीक है, हाँ, और ऐसा मत समझना कि मतलब मेरी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है कि मैंने फटाफट आंसर निकाल दिया, ये तो निकाल के रखा हुआ है. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि लाइक आई नो सम काइंड ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स की ये कैलकुलेशन कैसे कर लिया. ठीक है, अप्रोक्सीमेट आंसर दिया मैंने यहाँ पे, चलेगा. ऑलराइट, गिव मी जस्ट वन मोमेंट, आई विल अगेन रिमूव द आंसर एंड देन यू कैन गिव मी और ट्राई अनदर क्वेश्चन. ये वाला क्वेश्चन अब आप ट्राई करो. इसमें दिस इज ऑन द लाइंस जो अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, दैट न्यूमेरिकल्स के साथ वर्क नहीं करना है एंड प्रोपोर्शनैलिटीज यूज करनी है. ठीक है, दैट इज द हिंट, दैट यूज प्रोपोर्शनैलिटी. जैसा हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ट्राई करो. हाँ लक्ष्मी, करेक्ट है आपका आंसर. ठीक है, रीड ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द क्वेश्चन केयरफुली. यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है और टोटल एनर्जी पूछा जा रहा है. ठीक है,
राइट शौनक, राइट नतानिया, तन्मय, ध्रुव, मनन, विभूषिता, शौनक, करेक्ट, आप सबने करेक्ट आंसर दिया है। नहीं रिहान, आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है विद द एक्चुअल आंसर, देखो कहाँ पे गड़बड़ हुआ। हाँ करेक्ट मनन, नहीं आरव, आपका भी नहीं मैच करा। बोलो आरव। सर क्या आप एक बार ऊपर स्क्रॉल करके वो साइट दिखा सकते हो क्या, मतलब आप, हम लोग ने मतलब स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर में ही डिस्कस कर लिया था कि टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन क्या है और काइनेटिक एनर्जी और जो टोटल एनर्जी है वो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है एंड हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बीच का रिलेशनशिप भी अगर आपको लिखना है तो काइनेटिक एनर्जी इज माइनस हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, एंड जो ये टोटल एनर्जी था दिस वाज और यू कैन से प्रोपोर्शनल टू माइनस z square by n square, नहीं श्रेष्ठ, शौनक, तनीश, नहीं आपका आंसर करेक्ट नहीं है। नव्या एंड रीसा, आपका आंसर करेक्ट है। नहीं संकल्प, नहीं देवम, हाँ यशस्वी, आकाश, सिद्धार्थ, आपका आंसर करेक्ट है। अच्छा यशस्वी नहीं है, यशवी है ये तो। ऑल राइट, नहीं नहीं पोटेंशियल एनर्जी वाज माइनस टू टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। ऑलराइट, तो मैं दिखा देता हूँ कैसे करा हम लोगों ने। राइट, यही सेट ऑफ फॉर्मूलाज यूज करे हैं। जिस इसका आंसर मैच नहीं करा आप लोग आइडेंटिफाई करना कहाँ पे केयरलेस मिस्टेक हुई है। सो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। राइट, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ केस ए अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ केस बी कैन बी रिटन एज जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर ऑफ केस ए अपॉन जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर ऑफ केस बी। राइट, सो यहाँ पर इफ यू आर लुकिंग एट comparing fourth orbit of hydrogen and first orbit of lithium 2 plus, तो आप z and n का value यहाँ पे substitute कर दो। right, hydrogen के लिए z 1 रहेगा और n 4 बोला जा रहा है, lithium 2 plus के लिए z 3 रहेगा and n 1 बोला जा रहा है। right, so I hope इसको simplify करना आपको आता है। right, ये कैसा हो जाएगा 1 upon 16 and 9 by 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 upon 144। right, ये इतना बेसिक मैथ्स का आई होप सबको आता है। सो व्हाट यू आर गेटिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ Li 2 प्लस एज 144 टाइम्स दैट यूरो सिंबल और व्हाटएवर सिंबल दैट इज। राइट, बट क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है। ठीक है, मैं अगर होता तो यहाँ पे मैं एक ऑप्शन ये भी सेट करके रखता, instead of this I would have set another option saying plus 144 this, and जो बच्चे फिर ये option mark करके आते वो गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, मुझे बहुत मजा आता है करने में। I have this sadist part in my personality where I enjoy students making these careless mistakes. The correct answer would be minus 144 e, reason being That पूछा आपसे टोटल एनर्जी है। ठीक है, तो आपने काइनेटिक एनर्जी निकाला, सो यू नीड टू रिमेंबर दैट टोटल एनर्जी वाज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड देन आंसर दैट वाज माइनस 144 ई।
ठीक है, ऑल राइट, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है सबको? किसी को एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? ठीक है, तो अब कैसा है दैट आपके सामने जो ये क्वेश्चंस मैंने प्रेजेंट करे, आप मान के चलना दैट दीज वर इजी क्वेश्चंस, ठीक है, दे वर प्रिटी इजी क्वेश्चंस, डायरेक्ट एप्लीकेशंस ऑफ द फॉर्मूलाज दैट वी हैव जस्ट स्टडीड. अब द थिंग इज दैट जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, स्पेशली एडवांस के एग्जामिनेशन में एंड समटाइम्स इन मेंस का एग्जामिनेशन ऑल्सो, दे डोंट पुट सच स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस. उनको थोड़ा मजा आता है कि हम थोड़ा यू नो चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करें, एंड उसके लिए दे कम अक्रॉस दीज डिफरेंट टर्म्स, एंड उन टर्म्स के साथ में उनके मीनिंग्स हैं, और वो मीनिंग्स अगर आपको पता हैं तो आप क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे और फिर उसके बाद आप अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पाओगे. सो यहाँ पे आई हैव अ लिस्ट ऑफ सच टर्म्स दैट आर कॉमनली यूज्ड इन क्वेश्चंस, स्पेशली व्हेन डीलिंग विद सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम और बोर्स मॉडल. देर आर सर्टन टर्म्स लाइक ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, व्हेन यू वुड हैव बीन यू नो लुकिंग एट द होमवर्क क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए हैं, उसमें भी आपने ये वर्ड्स देखे होंगे. दीज टर्म्स वुड हैव कम अक्रॉस. सो दीज टर्म्स आर समथिंग विच become part of questions here and there. So you need to be absolutely clear what these terms mean and then apply them in questions. So ek ek karke observe karte hain. Sabse pehla sabse simple term hai ground state. Ground state is the lowest energy state and that is simply n equal to 1 orbit. Okay, so if you have a single electron system, usme the lowest energy that the electron can have is in the first orbit n equal to 1, and that will be called its ground state. Then you have excited state. Excited state is a term that is used for energy levels other than ground state. ठीक है, सो जो और higher energy levels हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि hydrogen का atom है, इसका मतलब ये नहीं है कि nucleus और nucleus के around एक ही orbit होता है. न्यूक्लियस के अराउंड देर आर मेनी ऑर्बिट्स, देर आर मेनी एनर्जी लेवल्स विच आर देर. हाँ, एन इक्वल टू वन इज द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट एंड दिस इज कॉल्ड एज ग्राउंड स्टेट. जो ये दूसरे ऑर्बिट्स हैं इनका एनर्जी हायर है एंड दीज आर कॉल्ड एज एक्साइटेड स्टेट्स, दीज आर कॉल्ड एज द एक्साइटेड स्टेट्स. अब इसमें नोमेनक्लेचर है छोटा सा, दैट आप नोटिस करोगे n इक्वल टू 2 जो रहेगा सेकेंड ऑर्बिट उसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. ठीक है, ग्राउंड स्टेट के जस्ट हायर एनर्जी लेवल जो रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. ठीक है, एंड सो ऑन सो फोर्थ. n इक्वल टू 3 विल बी कॉल्ड एज द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन सो फोर्थ. ठीक है, सो इन क्वेश्चंस यू विल हैव टू बी कॉशियस ऑफ दिस वर्ड कॉल्ड एज एक्साइटेड स्टेट. सो इफ आई एम से टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन जंपिंग टू द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट जंपिंग टू द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन जंपिंग फ्रॉम एन इक्वल टू 1 टू एन इक्वल टू 3. ठीक है, ये इंटरप्रेट करना आपको आना चाहिए ताकि आप फिर अप्रोप्रिएट एन के वैल्यूज फॉर्मूला में डाल सको. नाउ नेक्स्ट टर्म यहां पर नोटिस करना, नेक्स्ट टर्म is called as ionization energy. Okay, this is the most commonly used term, ionization energy. Ionization potential is another term which was used in older literature. Okay, abhi recent discussions mein you don't come across this term often. Okay, ionization energy is the one which is the more recent term. That is the one which is more commonly used. Or binding energy is also something which you come across. Now, what does that mean? So this is something which you already know. A lot of you are familiar with this definition. It is the minimum amount of energy required to take the electron from ground state, that is n equal to 1, to
out of the atom, right? Out of the atom means like take it far, far away, n equal to infinity. ठीक है, और भी synonyms हो सकते हैं इसके, ठीक है, एटलीस्ट इनके बारे में आपको पता होना चाहिए जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करे हैं, ठीक है. सो जैसे फॉर एग्जाम्पल आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होगा, इट विल बी एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन इक्वल टू वन टू एन इक्वल टू इन्फिनिटी. सो यू सब्स्टिट्यूट द फॉर्मूला डेल्टा ई इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल एंड यू गेट द आंसर दैट इट विल कम आउट टू बी प्लस 13.6 ईवी. What does that plus sign indicate? That indicates that it is energy absorbed. ठीक है, इतना energy आपको supply करना पड़ेगा. ठीक है. Now इसी में अब छोटा सा और detail है. हाँ, रुक जाओ मनन, थोड़ी सी देर रुको, मैं एक बारी cover कर लेता हूँ, फिर मैं आपका doubt लेता हूँ. इसमें एक और final detail है. Sometimes that comes in questions. That ionization energy of a particular state of an atom or ion is also used. Now, यहां पर आप नोटिस करोगे जस्ट सिंपली ये लिख दिया आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो इसका क्या इम्प्लिसिट मीनिंग हुआ, दैट नेचुरली अकरिंग जो हाइड्रोजन एटम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में ही प्रेजेंट होगा, लोएस्ट एनर्जी स्टेट में, n इक्वल टू वन में. तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करना है तो आई नीड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन इक्वल टू वन टू एन इक्वल टू इन्फिनिटी. नाउ समटाइम्स इन क्वेश्चंस यू कम अक्रॉस दीज वर्ड्स दैट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट इन एन एटम और आयन. सो दैट वुड मीन द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट स्टेट टू आउटसाइड द एटम. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू वॉट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ Li2+, तो क्या आंसर रहेगा, कैलकुलेट करके बताओ. इन द मीन टाइम, हाँ मनन, आपका क्या डाउट था? सर मुझे पूछना है आयनाइजेशन एनर्जी तो ऐसे भी हो सकता है ना कि अगर n से कुछ दूर में इलेक्ट्रॉन है तो अगर हमें आयनाइज करना है तो मतलब ये हो सकता है ना. आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो गई, दोबारा बोलो. सर मैं कह रहा हूँ कि जो आयनाइजेशन एनर्जी टर्म है तो जब भी पॉसिबल है ना, जब n = 2 से n = n is equal to 2 या n is equal to 3 हो. हाँ जी, मतलब मैं कहना चाहता हूँ सर जब n is equal to 2 से और अगर n is equal to infinity तक जाना है. हाँ, तो वो वही मैंने अभी यहाँ पे डिस्क्राइब किया ना, that ionization energy of a particular state can also be talked about. अगर कुछ स्टेट मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है, कि हम लोग कहाँ से इलेक्ट्रॉन को आयनाइज कर रहे हैं, तो डिफॉल्ट क्या लेना है? ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1 से इनफिनिटी. बट अगर हाँ स्पेसिफाई करा हुआ है, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li2+ निकालने को बोला जा रहा है, तो फिर अब आपको उस स्टेट से n इक्वल टू इनफिनिटी ले जाना है एंड देन कैलकुलेट करके बताना है. ओके सर. ऑलराइट, सो आई हैव स्टार्टेड गेटिंग सर्टेन आंसर्स. काफी स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर्स दिए हैं, कुछ स्टूडेंट का आंसर अभी भी मैच नहीं करा है. द करेक्ट आंसर इज 30.6 EV. अब जिस जिसका आंसर मैच कर गया बहुत अच्छी बात है, जिस जिसका नहीं मैच करा है आप नोटिस करना कहां पे गड़बड़ हुई. आपको अप्रोच समझ में आया दैट वी नीड टू टेक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इक्वल टू 2 टू n इक्वल टू इन्फिनिटी, राइट. नाउ चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल, राइट. सो फाइनल इज 0 एंड इनिशियल विल बी माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर. जेड का वैल्यू 3 डालना है और एन का वैल्यू 2 डालना है. जेड का वैल्यू 3 क्यों, क्योंकि Li2+ आयन है, और एन का वैल्यू 2 क्यों डालना है, क्योंकि n = 2 से इन्फिनिटी लेके जा रहे हैं, करेक्ट.
तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 30.6 ईवी आएगा। अब जिसेस का आंसर मैच नहीं करा, आई होप यू आर एबल टू रियलाइज कहां पे गड़बड़ हुआ। ओके, सो नतानिया का एक डाउट है दैट सर यू आर रिपीटेडली टेलिंग वी आर स्टडिंग सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सो इज देयर सम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम दैट वी आर सपोज टू स्टडी। वेल, यू विल बी स्टडिंग अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम ऑल्सो नतानिया, बट द रेलिवेंट पार्ट ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम दैट यू विल बी स्टडिंग वो मैं आपके साथ में इंट्रोड्यूस करूंगा थोड़ा बाद में, ठीक है। अभी हमारा फोकस सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे रहेगा, एंड इवन जब आप इसके आगे का मॉडल पढ़ोगे, इवन आफ्टर बोर्स मॉडल जो नेक्स्ट मॉडल होता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, उसको भी हम लोग सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही पढ़ते हैं टू बिगिन विद, एंड देन आई विल कॉमेंट दैट मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कैसे उसको इनकॉर्पोरेट करना होता है। हाँ अगम, आपको ये साइंस का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। द साइंस आर रियली रियली इंपॉर्टेंट, दी साइंस हैव अ मीनिंग एसोसिएटेड विद देम। तो जब भी मैं चेंज का साइन देख रहा हूँ, चेंज का साइन यहाँ पर कैसा है, पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब ये होगा कि ये एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी है, मतलब मुझे ये जो एक्साइटेशन या आयोनाइजेशन करना पड़ा, ठीक है, उसके लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी, फोटोन जो है वो अब्सॉर्ब हुआ, ठीक है। आपको अभी थोड़े टाइम में रेलेवेंस समझ में आएगा जब मैं डी एक्साइटेशन के बारे में भी बात करूंगा, एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन दोनों के बारे में बात करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा रुको, यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस देयर एज वेल। ऑल राइट, नाउ लेट्स लुक एट दिस टर्म एक्साइटेशन, एक्साइटेशन एनर्जी, राइट। नाउ आयोनाइजेशन वर्ड और एक्साइटेशन वर्ड के बीच का डिफरेंस हमें समझ में आता है, दैट आयोनाइजेशन वॉज अबाउट रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आयन बना देंगे, एटम से आयन बन जाएगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन करके। एक्साइटेशन इज नॉट रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन बट टेकिंग इट टू अ हायर एनर्जी लेवल। सो वहीं से अब ये एक्साइटेशन एनर्जी का आप डेफिनेशन समझ सकते हो, दैट एक्साइटेशन एनर्जी इज व्हाट, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू सम हायर स्टेट, ठीक है। इसमें यहाँ पे डेफिनेशन नोटिस करना, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू सम हायर स्टेट, and this will be called as the excitation energy of that state, ठीक है। थोड़ा सा words इतने clearly आते नहीं है सामने, but let me take an example for you to understand this better. So the illustration in front of you is excitation energy of third state of hydrogen atom. Now how do I read it? It means that what is the energy required to excite the electron from ground state to third state or third energy orbit. Okay, that is what excitation energy would mean for us. Ground state say, whichever orbit you are talking about, whichever state you are talking about, so yahan se n equal to 1 se n equal to 3 हो गया, ठीक है। नाउ अब आपको कैलकुलेशन करना है, तो अगेन द अप्रोच रिमेन्स द सेम, दैट चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा ई विल बी इक्वल टू E3 माइनस E1, व्हाट विल बी E3, ठीक है। अगर आपको वैल्यूज कैलकुलेटेड हैं तो वैल्यूज एज इट इज पुट कर दो, और यू कैन यूज द फॉर्मूला, ठीक है, यू कैन यूज द फॉर्मूला माइनस 13.6 इनटू 1 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर माइनस माइनस 13.6 इनटू 1 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, ठीक है। सो यू विल गेट दिस एज 13.6 इनटू 8/9 ईवी और प्लस 12.08
ev या 09, ठीक है। कहां पे जाना था आपको? n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 3 में। अब इसमें नोटिस करना समटाइम्स, ठीक है, देयर इज अ नोमेनक्लेचर एसोसिएटेड विद इट। हाँ, मैंने सिर्फ थर्ड स्टेट बोला, मैंने थर्ड एक्साइटेड स्टेट नहीं बोला, ठीक है। सो दैट इज समथिंग विच तनीश एंड ऋषभ आप दोनों को यहाँ पे कैच करना था। सो यहाँ पर आपका एग्जैक्टली वही डाउट को केटर करते हुए मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ थर्ड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम कुड हैव बीन रिटन एज एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अभी क्लियर हुआ डाउट? ठीक है, ऑल राइट। हाँ, नहीं नहीं सेकंड सेकंड स्टेटमेंट में समझाता हूँ, यहाँ पे आप नोटिस करो ना, अभी हमने ऊपर एक्साइटेड स्टेट का डेफिनेशन देखा था। एक्साइटेड स्टेट का क्या डेफिनेशन था? एक्साइटेड स्टेट मतलब यहाँ ऊपर हमने डिस्कस किया था दैट एन इक्वल टू सेकेंड ऑर्बिट मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, थर्ड ऑर्बिट मतलब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ ऑर्बिट मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो यहां पर ठीक है, जो थर्ड स्टेट हुआ यानी कि थर्ड ऑर्बिट हुआ, दैट वुड मीन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब इसमें एक और एस्पेक्ट है। हाँ आकाश बोलो। So when the electron moves to the third shell, so then the first shell and second shell are empty, right? So then when it comes back, so what type of radiations does the electron emit? Correct. And it gets de-excited. हाँ, मैं बात करता हूँ। अभी पहले मैं एक बार excitation समझा लेता हूँ, फिर आगे के questions में de-excitation भी आ रहा है। Okay. We'll come to that. So हाँ, अब यहाँ पे नोटिस करना, इसी चीज को एक और तरीके से बोला जा सकता है, ठीक है। ये थोड़ा सा और नेटपिकिंग हो गई, बट कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। यू माइट कम अक्रॉस दिस काइंड ऑफ नोमेनक्लेचर आल्सो। सो दिस सेम थिंग इज आल्सो कॉल्ड एज सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द थर्ड स्टेट और एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द सेकेंड स्टेट, ठीक है, ये सब दे ऑल आर रेफरिंग टू अ ट्रांजिशन विच इज एन इक्वल टू 1 टू एन इक्वल टू 3 एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। नाउ व्हाई इज इट कॉल्ड एज सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी? यहाँ पे आप नोटिस करना, ठीक है, जो एक्साइटेशन एनर्जीज हैं वो कैसे डिफाइन हो रहे हैं? एक्साइटेशन एनर्जीज आर बीइंग डिफाइंड इन दिस वे दैट एन इक्वल टू 1 से वट एवर हायर एनर्जी ऑर्बिट दैट यू आर गोइंग टू, ठीक है। सो एन इक्वल टू 1 से अगर आप एन इक्वल टू 2 जा रहे हो तो इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड स्टेट और एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और इट कैन बी कॉल्ड एज द फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट पॉसिबल एक्साइटेशन क्या कर सकते हो आप ग्राउंड स्टेट से? यू कैन गो फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एन इक्वल टू 3, दैट इज द नेक्स्ट पॉसिबल एक्साइटेशन दैट यू कैन डू, तो उसको नाम दिया जा रहा है सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉसिबल एक्साइटेशन दैट यू कैन डू फ्रॉम ग्राउंड स्टेट? एन इक्वल टू 1 से आप एन इक्वल टू 4 जा सकते हो, ठीक है, तो उसको थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी बोला जा रहा है। तो ये एक नोमेनक्लेचर साथ में बनता जा रहा है, ठीक है, बिकॉज इसका डेफिनेशन कैसा है एक्साइटेशन एनर्जी का, दैट इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, ठीक है, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट तो फिक्स हो गया है,
फ्रॉम ग्राउंड स्टेट इज फिक्स्ड. अब किसी भी नेक्स्ट हायर स्टेट में जा रहे हैं तो उस स्टेट का एक्साइटेशन एनर्जी बोला जा रहा है. तो अगर मैं यहां से देखूंगा कि ग्राउंड स्टेट से मैं कहां कहां जा पा रहा हूं, n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 जा पा रहा हूं, तो दैट इज फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी. n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 3 जा पा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज अ सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, एंड सो ऑन सो फोर्थ. ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है, तो अगर मैं आपसे लेट्स से एक एग्जांपल पूछूं, ठीक है, लेट्स से इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन ओवर हियर दैट इज समथिंग इन दिस मैनर, डिटरमाइन द थर्ड और इनफैक्ट आई वुड से डिटरमाइन द हाँ ठीक है थर्ड ही कर लेते हैं, डिटरमाइन द थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस आयन. ठीक है, ईवी में आंसर करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. तो क्या आंसर रहेगा आपका, हाउ विल यू कैलकुलेट, व्हाट विल बी द आंसर? All right, so बहुत सारे वेरिंग आंसर्स आ रहे हैं, काफी वेराइटी ऑफ आंसर्स आ रहे हैं. ओके, सो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये कौन से ट्रांजिशन के बारे में बात करी जा रही है. What transition is this question talking about? Right? So third excitation energy, मतलब अगर मैं यहाँ पे नोमेनक्लेचर देख रहा हूँ, ठीक है, n इक्वल टू 1 से, तो ये फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी. तो यहाँ पर ये n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 4 जाने की बात हो रही है. ठीक है, तो पहला तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया दैट दिस इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. राइट, आई होप एवरीवन वाज एबल टू गेट दैट. अच्छा, अब इसका कैलकुलेशन क्या रहेगा? डेल्टा ई विल बी फाइनल माइनस इनिशियल. राइट, व्हाट इज फाइनल? ई फोर एंड इनिशियल इज ई वन. राइट, तो अब आप यहां पे डेटा सब्स्टिट्यूट कर दो. राइट, डेटा सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये हो जाएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर. ठीक है, ये हीलियम प्लस आयन है, तो हीलियम प्लस आयन में जेड का वैल्यू 2 लेना पड़ेगा, अपॉन 4 स्क्वायर माइनस 13.6 इंटू 2 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर. राइट, सो मैं 13.6 इंटू 4 को कॉमन ले लेता हूं, ये कॉमन आ जाएगा, और ये 1/16 माइनस 1/1 यानी कि 15/16 हो जाएगा, नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड दिस विल बी माय नाउ द कैलकुलेशन. ठीक है, अब मैं इसको कैलकुलेट कर लूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा अराउंड 51 eV. ठीक है, विद अ प्लस साइन, प्लस साइन बिकॉज दिस विल बी द एनर्जी अब्सॉर्ब्ड. ठीक है,
नहीं 51 ही आ रहा है, 51.4 भी नहीं आ रहा, 51 ही आ रहा है ये तो। ठीक है, समझ में आया बाकी लोगों को भी? जिसका आंसर मैच नहीं करा, हाँ बताओ आरब कहाँ पे अटक गए? Like were you, so there were two important parts to this question. ठीक है, one was this figuring out कि ये transition क्या होगा, that was like half the battle. And then the second part was this calculation bit. हाँ तो हो सकता है कि आप ये first वाले part में नहीं grasp कर पाए, तो ये first वाले part में यहाँ पे ये nomenclature का use मैंने किया, ठीक है, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, दैट समटाइम्स दीज टर्म्स के साथ में नोमेनक्लेचर एसोसिएट हो जाता है, दैट एक्साइटेशन एनर्जी का एक सिंपल वर्जन तो मैंने देख लिया कि सिंपल वर्जन क्या है एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू दैट स्टेट, ठीक है, जिसका भी एक्साइटेशन एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अब लेकिन क्वेश्चन में जो लैंग्वेज है उसमें ये पूछा जा रहा था दैट डिटरमाइन द थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस आयन। सो ये जो थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी है इसका मीनिंग क्या होगा, ये मैंने आपको यहाँ ऊपर बताया दैट व्हेन वी आर लुकिंग एट एक्साइटेशन इट इज हैपनिंग फ्रॉम एन इक्वल टू वन टू हायर ऑर्बिट्स, ठीक है। सो मुझे एक्साइटेशन अगर ड्रॉ करने हैं तो मैं कैसे कर सकता हूँ, एन इक्वल टू वन से 2 जा सकता है, n इक्वल टू 1 से 3 जा सकता है, n इक्वल टू 1 से 4 जा सकता है, n इक्वल टू 1 से 5 जा सकता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट। तो इसमें ये एक सीक्वेंस बनता जा रहा है ना, तो दिस विल बी कॉल्ड एज द फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है, द नेक्स्ट विल बी कॉल्ड एज सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, द नेक्स्ट विल बी कॉल्ड एज थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो यहाँ पर क्योंकि थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी पूछा था तो दैट मीन्स दैट वी आर रेफरिंग टू द ट्रांजिशन ऑफ एन इक्वल टू वन टू एन इक्वल टू फोर, ठीक है, अभी समझ में आया? थोड़ा सा टाइम लगता है इन टर्म्स को दिमाग में सेट होने में। हाँ बाकी कैलकुलेशन का पार्ट तो बहुत सिंपल है ना, कैलकुलेशन तो आपका लाइक चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल, एंड जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर लिखना है, तो जो फोर्थ ऑर्बिट है उसका एनर्जी हो जाएगा माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, जेड का वैल्यू 2 लिया क्योंकि हीलियम प्लस आयन है, और फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी हो जाएगा अगेन माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, आई जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, फिर 13.6 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 13.6 इंटू 4 को मैंने कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा यहाँ पर, ठीक है, ये बचेगा आपका 1/1 - 1/16, राइट, तो ये 15/16 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, नाउ एक मिनट दो, लेट मी जस्ट रिमूव द नेक्स्ट सेट ऑफ आंसर्स एंड देन हम लोग एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये वाला क्वेश्चन बताओ, लेट मी नो इसका क्या रहेगा आंसर।
ऑल राइट, हाँ आप लोगों ने, काफी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, दैट दिस विल बी द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दैट इज ऑप्शन ए करेक्ट. कैसा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करी जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी -6.8 ईवी दिया हुआ है, तो अब आप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखोगे और टोटल एनर्जी उससे निकालोगे, तो टोटल एनर्जी आप निकालोगे या आप सीधे टोटल एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे. पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इज -13.6 इनटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर. इसको आप सॉल्व करोगे तो एन का वैल्यू 2 आएगा, राइट. एन का वैल्यू 2 आने का मतलब क्या हो गया, दैट इट इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज आप ध्यान से केयरफुली पढ़ना. इंडिकेट इन विच एक्साइटेड स्टेट द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. इट इज नॉट आस्किंग दैट इन विच ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. इफ इट वुड हैव आस्क्ड दैट इन विच ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, देन यू वुड हैव आंसर्ड बी ऑप्शन. बट यहां पे पूछा इन विच एक्साइटेड स्टेट. ठीक है, तो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन क्वाइट केयरफुली एंड आंसर अकॉर्डिंगली. ठीक है, हाँ हाँ, आप दूसरे अप्रोच भी यूज कर सकते हो. यू कुड हैव वेरी वेल लाइक यूज द अदर अप्रोच. इसमें आप पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट करके, काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करके भी कर सकते हो. दे आर वन एंड द सेम थिंग ओनली, जस्ट सोचने का तरीका अलग अलग है, आंसर सेम ही आएगा. ठीक है, ऑल राइट, नाउ लेट मी टॉक अबाउट, or let me give one more question. ठीक है, इस वाले क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन कर रखते हैं. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो. एंड इसमें ही मैं ये डी एक्साइटेशन वाला पार्ट भी आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लूंगा. ठीक है, पहले आप ए और बी पार्ट का आंसर निकालने की कोशिश करो. हाँ, मैं एक बार रीड आउट कर देता हूँ क्वेश्चन, इसमें राइटिंग इतना अच्छा नहीं आया है. फॉर अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन लाइक सिस्टम द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द एटम फ्रॉम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इज 13.6 ईवी. सो फर्स्ट पार्ट इज आस्किंग आइडेंटिफाई द सैंपल एज इन विच सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. लाइक हाइड्रोजन लाइक सिस्टम का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन लाइक सिस्टम मीन्स सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम. तो इट कुड बी हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2+ एंड सो ऑन सो फोर्थ. ठीक है, सो दैट इज वॉट यू हैव टू आइडेंटिफाई एज पार्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. देन द सेकेंड पार्ट आस्क यू दैट कितना फोटोन का एनर्जी रिक्वायर्ड होगा टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इन दिस सैंपल. ट्राई करो. हाँ, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ रहा है, काफी लोगों का सही आ रहा है. शौनक, देवम, अगम, लक्ष्मी, रेहान, अर्ष, नहीं संकेत आपका नहीं है, बाकी लोगों का सही आ रहा है. नतानिया, इट विल नॉट बी एल आई, इट विल बी एल आई 2+. ठीक है, हाँ,
सेकेंड पार्ट में मैं एनर्जी ऑफ फोटोन पूछ रहा हूँ. जस्ट एनर्जी ऑफ फोटोन ही पूछ रहा हूँ. आई एम नॉट आस्किंग द वेवलेंथ और द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन. जस्ट रिपोर्ट द एनर्जी. व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ द फोटोन इन ईवी. हाँ करेक्ट है. काफी सारे स्टूडेंट्स ने ये भी करेक्ट दे दिया है. ठीक है, आपको एक ट्रांजिशन आइडेंटिफाई करना है. ट्रांजिशन आइडेंटिफाई करके आपको आंसर देना है. नहीं देखो ना, यहाँ पे आपने पहले पार्ट के लिए कैसे करा. मैं पहला पार्ट सॉल्व करके दिखाऊं आप लोगों को. लाइक हाउ वुड द फर्स्ट पार्ट लुक लाइक. आइडेंटिफाई द सैंपल वाला. यहाँ पे जो आपको डेटा दिया हुआ है दैट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट. सो यानी कि n इक्वल टू 3, राइट. दिस इज योर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट. से आयोनाइज करना है, इजेक्ट करना है. इजेक्ट करना मतलब n इक्वल टू इन्फिनिटी लेके जाना है, राइट, आउट ऑफ द एटम. तो इसमें दे आर सेइंग दैट द एनर्जी is 13.6 EV, right? And this will be equal to E final minus E initial. What is E final? That is 0. And E initial is minus 13.6 into Z square by N square. So, if you solve this, then your Z ka value 3 will come. This implies that we are solving for Li2 plus as our system. Okay? Then B part में 108.8 is the correct answer. 108 EV, 108.8 EV is the correct answer in the second part. कैसे आया ये? अब आप वापस से read करो इस question को. That energy required to cause excitation of electron from ground state to second excited state. ठीक है, ground state से second excited state मतलब क्या transition होगा? What is the transition that we are looking at? Transition is n equal to 1. This is your ground state. To n equal to 3. This is your second excited state. Right? And isme the change will be again final minus initial E3 minus E1. Right? So 13.6 or minus 13.6 into 3 square upon 3 square minus minus 13.6 into 3 square upon 1 square, right? I just put the formula here. And if I take things common, so 13.6 into 3 square ko common le lunga, to ye 1 by 1 minus 1 by 9, to ye 8 by 9 ho jayega, to ye 13.6 into 8 with a positive sign rahega ye, and it comes out to be 108.8 EV. Okay? Ye calculations main apne hisab se kar deta hun. ठीक है, अब मैं कैलकुलेशन में एक एक चीज को इतना एलैबोरेट नहीं कर रहा हूँ. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कैलकुलेशंस क्वाइट इजीली. हाँ, सी पार्ट में अब मैंने आपसे यहाँ पे नोटिस करना. इन द सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आई हैव आस्क्ड यू द फोटोन का वेवलेंथ व्हेन द सैंपल डी एक्साइट्स फ्रॉम द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. हाँ, तो उसमें हाँ लक्ष्मी, आरव, शौनक, विराज, हाँ ग्रेट, आप लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है. हाँ अभिलाष आपका भी करेक्ट है. आकाश आपका थोड़ा गड़बड़ हो गया, एक बार चेक करो. हाँ राइट विभूषिता, करेक्ट है आपका भी. ऋषभ थोड़ा सा कैलकुलेशन इधर उधर हो गया है. हाँ बट you guys are able to get the transition. Transition क्या रहेगा यहाँ पर? De excite from first excited state, right? What is first excited state? Implies n equal to 2, right? अब यहाँ से de excite हो रहा है,
तो कहां पर डीएक्साइट हो सकता है? राइट, ये एन इक्वल टू वन है, ये एन इक्वल टू टू है, ये एन इक्वल टू थ्री है, यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये डीएक्साइट होके कहां जाएगा? डीएक्साइट होके ये एन इक्वल टू वन में ही जाएगा. दैट इज द ओनली पॉसिबल डीएक्साइटेशन दैट कैन हैपन. राइट, दैट इज द ओनली पॉसिबल डीएक्साइटेशन. एंड अब अगर इस डीएक्साइटेशन का मैं चेंज ऑफ एनर्जी नोटिस करूंगा, तो नोटिस यहाँ पे करना, देखना क्या आएगा. डेल्टा ई इज अगेन फाइनल माइनस इनिशियल. ठीक है, आई विल ऑलवेज स्टिक टू माई कन्वेंशन. द चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल. तो यहाँ पे चेंज विल बी फाइनल है ई वन और इनिशियल था ई टू. राइट, ये ई वन में आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? ई टू से आ रहा है. तो अब मेरा यहाँ पे नोटिस करना, E1 का वैल्यू कितना रहेगा? -13.6 इनटू 3 स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर. एंड E2 का वैल्यू रहेगा -13.6 इनटू 3 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर. तो व्हेन यू विल गेट दिस वैल्यू, ठीक है, ये आएगा आपका -91.8 eV. ठीक है, नाउ ये इंपॉर्टेंट है, द साइन इज इंपॉर्टेंट. व्हाट डज द साइन सिग्निफाई ओवर हियर? The negative sign means that this is energy released. हाँ, correct लक्ष्मी. Negative sign implies energy released. ठीक है, अब ऐसा मत करना कि आप negative में मुझे wavelength देने लग गए. ठीक है, don't report the answer in terms of negative wavelengths. ठीक है, सो जो एनर्जी ऑफ फोटोन रहेगा, ठीक है, वो आपका बेसिकली मॉड ऑफ डेल्टा ई के बराबर रहेगा. सो 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम विल बी इक्वल टू 91.8. राइट, एंड इससे आपका लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम आएगा, विच विल कम वेरी क्लोज टू सम 135 एंगस्ट्रॉम, 135 पॉइंट समथिंग. ठीक है, समझ में आया ये? कैसे हुई कैलकुलेशंस? ये डी एक्साइटेशन वाला पार्ट समझ में आया? हाँ बोलो आकाश. So if when the electron gets excited from E1 to E2 and the lambda of the photon is 135 angstrom, so when it gets de-excited, the wavelength of the photon release will still be 135 angstrom. Correct. So the sign is just helping us understand whether photon will be absorbed or photon will be released. Yahan par photon will be released. Yes. The energy coming out. ठीक है, इज दिस पार्ट क्लियर विद एवरीवन? ओके, नाउ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो. आई थिंक किसी ने और ने भी हैंड रेज किया था. हाँ लक्ष्मी बोलो. सर, इफ इट इज डीएक्साइटेड फ्रॉम थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट, देन it will be mentioned, right, to which orbit it is de-excited, or we, if it is not mentioned, we have to this first orbit. Correct. It has to be mentioned. Otherwise, you will have multiple possible answers. Yes. नहीं वो तन में ऐसा नहीं है. These are some things which I have done many times ना, तो मेरा तो हाथ इसमें fast चला जाता है. आपको अगर calculation कहीं पे नहीं समझ में आया तो मतलब इट इज ओके, क्योंकि यहाँ पर आई डोंट वॉन्ट टू स्पेंड टाइम इन टू डूइंग ऑल दिस कैलकुलेशन बिट. आई वॉन्ट यू टू स्ट्रेस मोर ऑन द कॉन्सेप्ट. ठीक है, आई डोंट वॉन्ट टू स्पेंड दैट टाइम कि मैं यहाँ पर फिर कॉमन लेने वाला स्टेप दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद में आई एम शोइंग कि कैसे करूँ. ठीक है, दैट इज नॉट हाउ आई वुड वॉन्ट टू यूज द टाइम ऑफ दिस क्लास. ठीक है,
ऑल राइट. अच्छा अब एक और कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ. वी हैव क्विक 10 मिनट्स लेफ्ट विद अस, सो गिव मी जस्ट वन मोमेंट, आई विल जस्ट गेट दैट अवेलेबल ओवर हेयर. ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग पे वापस से कॉम्प्रोमाइज रहेगा, बट दैट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू ग्रास्प. जस्ट गिव मी वन मोमेंट. All right. So, हाँ यहाँ पे मैं दो नोट्स आपके साथ में शेयर करना चाह रहा था. एक नोट तो एग्जैक्टली वही है जो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आकाश ने पूछा था या बोला था, दैट नाउ आफ्टर स्टडिंग बोर्स मॉडल लाइक वी अंडरस्टैंड दैट रेडिएशंस, लाइक व्हाट आर रेडिएशंस, रेडिएशंस आर फोटॉन्स. ठीक है, what do radiations mean over here? These are photons that are getting absorbed or emitted. By an atom, they correspond to the energy gap between orbits. ठीक है, जो भी concerned orbits रहेंगे उनके बीच के energy gap के हिसाब से the photons would be absorbed or emitted. Now, ab notice karna, the wavelength of photon absorbed for an excitation will be the same as the wavelength of photon emitted during de-excitation between same energy levels. ठीक है, थोड़ी writing इतनी अच्छी नहीं है इसमें, but I hope you are able to understand and concur with me on this particular note. So when we are talking about between the same energy levels, ठीक है, यहाँ पे आप notice करना. हाँ, मैं दोबारा read out कर देता हूँ. So between any two energy levels, ठीक है, से ये N1 है, ये N2 है. If there is an excitation, right? Electron jumping from lower energy to higher energy, this is excitation. Lambda wavelength ka photon absorb ho raha hai. ठीक है, और यहीं पर अगर let's say मैं de-excitation भी देख रहा हूँ, the electron is coming from higher energy to lower energy, तो फिर same wavelength ka photon ही वो emit कर रहा है. ये चीज समझ में आया? So when excitation happens, photon are absorbed. When de-excitation happens, photon are released. If it is the same energy gap, then the same wavelength of photon would be absorbed and the same wavelength of photon would be emitted. ठीक है, हाँ बोलो ऋषभ. So the same wavelength also implies that the energy of the photons will be the same, right? हाँ हाँ, energy of photon is hc by lambda, ना? Yes sir. अच्छा अब हाँ बोलो आकाश. So for the electron to move to N2, if the wavelength supplied needs to be x, and to move to N3 the wavelength needs to be y,
and the wavelength applied is between x and y, then what will happen to the electron? Why mera agla note hai. Matlab I think tum aur main thoda telepathically connected lag rahe main agla note usi ke upar present karna chah raha tha. But this is like again coming from experience, I know ki yahi doubt students ke aate hain. So that is what I have as the next point of discussion, next note. Haan. Okay. So यहाँ पे नोटिस करो, ठीक है, दिस इज क्रिटिकल. यहाँ पे सब लोग ध्यान देना. इन एन एटम, ठीक है, यहाँ पर द इलेक्ट्रॉन वुड अब्सॉर्ब फोटोन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा, विच करस्पॉन्ड्स टू एनर्जी गैप बिटवीन द ऑर्बिट्स, और इट कैन लीड टू आयोनाइजेशन. Otherwise, the electron will not interact with the photon. So, Akash ka question hai. ठीक है, यहाँ पे आप notice करना. पहले मैं Akash का question सबके लिए simplify कर देता हूँ. Akash का question था that ये है मेरा electron, ठीक है, present in some n1 orbit. And यहाँ पर उसके ऊपर से डिफरेंट डिफरेंट फोटॉन्स हम स्ट्राइक करवा रहे हैं, ठीक है. तो अब हाउ विल दैट इलेक्ट्रॉन इंटरैक्ट विद दैट फोटॉन, वो मैंने यहां पे इस नोट में कैप्चर करा है. इन एन एटम, नोटिस करना, द इलेक्ट्रॉन वुड ओनली अब्सॉर्ब, ठीक है, इट विल ओनली इंटरैक्ट विथ दोज फोटॉन्स दैट आइदर एक्साइट इट और आयोनाइज इट, ठीक है, जिनसे या तो वो एक्साइट होगा या वो आयोनाइज होगा, अदरवाइज इट विल नॉट इंटरैक्ट. नाउ एक्साइट कैसे हो सकता है? एक्साइट जब हो सकता है जब फोटॉन provides energy related to the energy gap between orbits, ठीक है, जो इसके आगे के ऑर्बिट्स हैं उनके बीच में जो एनर्जी गैप्स हैं उतना एनर्जी फोटोन सप्लाई कर रहा हो तो फोटोन अब्सॉर्ब होके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, या फिर इतना एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हो ये फोटोन कि इट कैन टेक द इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द एटम. नाउ let me explain this in terms of values, theek hai, so yahan par let me take these values. ye hydrogen atom hai aur isme electron ground state mein hai, ground state matlab n equal to 1 mein, and for everyone's benefit I have written down the values of the other higher energy levels also, theek hai, ye 13.6 hai, theek hai, main values wapas se likh deta hu yahan par for everyone's benefit. ये -13.6 है, ये -3.4 है, ये -1.51 है, एंड ये -0.85 है, ठीक है, मुझे याद है इसलिए मैं फटाफट से लिख दे रहा हूँ. दीज वर द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स इन हाइड्रोजन एटम. तो अगर मुझे n इक्वल टू 1 से 2 जाना है तो 10.2 ईवी का फोटॉन लगेगा. अगर मुझे n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 3 जाना है तो 12.09 ईवी का, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है. सो अब डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के फोटॉन्स आएंगे तो उनके साथ में क्या होगा आप नोटिस करना. अगर 5 ईवी का फोटॉन आ रहा है, ठीक है, इफ ये जो एनर्जी ऑफ फोटॉन आ रहा है ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ में इंटरेक्ट करना चाह रहा है, इफ दैट एनर्जी ऑफ फोटॉन इज से 5 ईवी, तो क्या होगा, ये फोटॉन ना तो एक्साइट कर पाएगा ना आयोनाइज कर पाएगा, इसके साथ में देयर विल बी नो इंटरेक्शन, ठीक है, समझ में आया ये. नेक्स्ट ऑब्जर्व करना, अगर 10.2 ईवी का फोटॉन आया तो क्या होगा, द 10.2 ईवी फोटॉन corresponds to this energy gap,
ठीक है, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे ये 10.2 ईवी का एनर्जी के आपको करस्पॉन्ड कर रहा है, तो इस इट विल एक्साइट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन इक्वल टू 1 टू एन इक्वल टू 2, ठीक है, एक्साइटेशन हो जाएगा. अब नेक्स्ट नोटिस करना, दिस इज समथिंग विच मेनी ऑफ यू विल हैव अ क्वेश्चन कि 11 ईवी का आया तो क्या होगा. What will happen if 11 EV ka photon comes and strike? So there are two answers which students commonly give. One is ki sir ho sakta hai ki fir wo 11 mein se 10.2 EV use karke excite ho jaye aur bache hue ko as photon emit kar de. The answer is aisa nahi hota hai. Theek hai? Aur someone might say ki you know ये 11 ईवी का फोटोन अब्सॉर्ब करके वो n इक्वल टू 2 में चला जाए और वहां पे फास्टर घूमने लग जाए, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए. वो भी नहीं होगा, क्योंकि एज लॉन्ग एज इट इज इनसाइड द एटम इट इज बाउंड बाय सर्टेन लॉज, इट कांट हैव स्पीड अदर देन व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड फॉर दोज ऑर्बिट्स, अदरवाइज इट विल बी वायलेटिंग ऑल दोज क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम, क्वांटाइज्ड एनर्जी, ऑल दोज थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड बिफोर. तो ये 11 ईवी का फोटोन अगर आया विच डज नॉट करस्पॉन्ड टू द एग्जैक्ट एनर्जी गैप फॉर एक्साइटेशन, नाइदर इट इज समथिंग विच कैन आयोनाइज, तो इसके साथ में देर इज नो इंटरैक्शन. ठीक है, देर विल बी नो इंटरैक्शन विद दिस फोटोन एज वेल. अगर 12.09 ईवी का आया तो यस, दिस करस्पॉन्ड्स टू, नाउ यू कैन सी द एनर्जी गैप बिटवीन the first and the third orbit. So the electron will jump from n equal to 1 to n equal to 3. Agar 13.6 EV se zyada energy ka photon aya to kya hoga? So that will also be something which the electron will absorb and it will jump out of the atom. Ab is case mein jo bhi remaining energy hogi that can be imparted to electron as its kinetic energy. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर अब जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है दैट इज नॉट बाउंड टू द न्यूक्लियस, द फ्री इलेक्ट्रॉन इज नॉट गवर्न्ड बाय एनी लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इट इज नॉट बाउंड बाय एनी अदर इंटरेक्शन विद द न्यूक्लियस, तो ये इलेक्ट्रॉन की कुछ भी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है. अगर इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर प्रेजेंट है तो इट कांट जस्ट हैव एनी रैंडम वैल्यू ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद इट, दैट्स व्हाई ये वाला फोटोन isn't going to be interacting. ठीक है, हाँ हाँ, बस यही मेरा लास्ट पॉइंट था. नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टीच एनीथिंग एक्स्ट्रा. आई विल टेक सम डाउट्स एंड दोज हु आर डन दे कैन लीव द क्लास. आई एम नॉट गोइंग टू टीच एनीथिंग एक्स्ट्रा. आप लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए ब्रेक ले लो. ठीक है, जिस इसके डाउट हैं वो पूछ लो. हाँ मनन बोलो. सर मुझे ये पूछना था कि सर ये बहुत एक्यूरेट कैलकुलेशन होती हैं, सपोज अगर मैंने सपोज 10.2001 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोवाइड की एनर्जी. हाँ हाँ, मतलब ये काफी, मतलब दिस इज एक्चुअली द ऑब्जर्वेशन दैट वी फाइंड आउट कि यू नो जो आप स्पेक्ट्रम पढ़ोगे ना, नेक्स्ट क्लास में मैं स्पेक्ट्रम पढ़ाऊंगा, तो आपने शायद सुना होगा कि स्पेक्ट्रम इज लाइक अ सिग्नेचर. यस सर, एन एटम और अ मॉलिक्यूल. जैसे हाइड्रोजन है वो पर्टिकुलर वेवलेंथ के फोटॉन्स ही अब्सॉर्ब या एमिट कर रहा है. हां जी, तो ये उसका अंडरलाइन प्रिंसिपल मैं समझा रहा हूं आपको, जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. सर इसका मतलब ये भी हो सकता है ना, मतलब सपोज वो थोड़ी देर इस एनर्जी को मैच करेगा, मतलब हां वो नहीं होता ना, तो दैट इज व्हाट आवर ऑब्जर्वेशन इज दैट व्हेन वी लुक एट द स्पेक्ट्रम, व्हेन वी लुक एट द फोटॉन्स और रेडिएशंस दैट आर एमिटेड और अब्सॉर्ब, वी फाइंड ओनली पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ वेवलेंथ्स गेटिंग अब्सॉर्ब्ड और एमिटेड, वी डोंट फाइंड अदर्स. सर आई हैव सेंड यू वन क्वेश्चन व्हाट्सएप, सर आप वो बता देंगे अभी? मतलब अभी रुक जाओ एक बार, मैं पहले जो कंसर्न क्वेश्चंस हैं डिस्कस कर लेता हूं, वो अपन अलग से देख लेंगे. हां बोलो अगम. So, like, if we give a photon of 10.2 electron volt and wo excite ho jata hai, and then uske baad agar fir se hum kare with the 10.2 electron volt, so wo
डी एक्साइट होएगा क्या कि नहीं 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 सो दिस वाज समथिंग जो हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के टाइम पे भी डिस्कस करा था दैट मान लो ये n इक्वल टू 1 में इलेक्ट्रॉन था ठीक है और आपने फोटोन सप्लाई करा और ये एक्साइट हो गया ठीक है नाउ व्हेन इट गेट्स एक्साइटेड इन वेरी वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ठीक है क्योंकि ये इसका नेचुरल स्टेट नहीं है इट इज अ हायर एनर्जी स्टेट इन अ वेरी वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इट डी एक्साइट्स बैक emitting the same energy of photon, emitting the same wavelength. Now, what you are asking is, ki sir, even for that short duration of time, even for that short, very short span of time, is it possible that ek aur koi photon absorb karke ye excite ho jaye? The answer is, it is possible, but it is rare. It is possible, but very less probable. So, yaad hai, I use this term in photoelectric effect multi photon excitation aap mein se kuch kuch bachcho ne doubt bhi pucha tha yes sir ha to it is a rare phenomena it is something which is not the likely outcome when we see or observe the spectrum of these atoms Oops. And so another thing, like the electron, the energy of the photon has to be exact, right? Like 10.3, agar hoega, so it won't. It will not. Okay. That is the concept Thanks. Of quantization. That discrete energy levels are there at a small scale. Okay. Thank you. Lumit. Yes, sir. Thoda upar swipe upar na, sir. Ha. Ek minute. बताओ हाँ सर ये शेल्स जो आपने ड्रॉ किया सर अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में रहेगा तो उसका एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा ना सर तो सेकंड से थर्ड में जाने के लिए उसको मतलब 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब फोटॉन लेना पड़ेगा नहीं नहीं सो यहाँ से सेकंड से थर्ड जब जाएगा ना तो उन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है वो लगेगा तो ये 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं लगेगा सर नहीं नहीं वो तो 1 से 3 जाने के लिए है ओके सर ठीक है और वही चीज अभी मैंने अगम को भी समझाई कि जो ये एक्साइटेशन हम लोग देख रहे हैं ना वो ग्राउंड से हायर में ही रह रहे हैं प्राइमरीली ओके सर ठीक है ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ एक्साइट हुआ फिर दूसरा फोटोन ले लिया फिर अगले में ऐसे स्टेप बाय स्टेप ऊपर नहीं चढ़ता स्टेप बाय स्टेप नीचे जरूर आता है ठीक है वो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करता हूँ बट स्टेप बाय स्टेप ऊपर नहीं चढ़ता ओके सर क्योंकि वो काफी रेयर है ओके सर थैंक यू सर बोलो अंशु सर एक्साइटेशन में मतलब n इक्वल टू 1 जरूरी है और आयोनाइजेशन में n इक्वल टू इंफिनिटी जरूरी है हाँ बोल सकते हो दैट इज एन इन्फरेंस ओके और सर वो मतलब ये थोड़ा नीचे वो मतलब उसमें था ना हाँ 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इसको एनर्जी मिल गई तो इसको मतलब फर्स्ट से सेकंड एनर्जी शेल में जाने की तो मिल गई ना एनर्जी तो भी क्यों नहीं जा रहा भाई मैंने बताया ना कि एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन इज एन एटम इट कैन नॉट जस्ट ऑक्यूपाई एनी ऑर्बिट इट हैज टू हैव पर्टिकुलर energy particular angular momentum and then only it can be present around the nucleus okay to usse agar halka sa bhi kam jyada hua to nahi jayega nahi hoga nahi interact karta wahi to yahi to hum log dekhte hai na ki jaise hydrogen ke spectrum mein ye wavelength lambda 1 lambda 2 lambda 3 hi absorb ho rahi hai emit ho rahi hai unke aas paas ki nahi hoti hai kyun because okay. it isn't going to interact with those photons or those radiations और सर वो एक बार नोट वाला थिंग फिर से समझा दो ना छोटे से मैं थोड़ा सा वाला? नोट वाला थिंग रेड कलर में जो आपने लिखा था ये वाला हाँ तो यही मैंने बताया ना कि एटम जब फोटोन अब्सॉर्ब कर रहा है तो वो ऐसे ही फोटॉन्स अब्सॉर्ब करेगा जो कि उसको या तो एक्साइट करा पाए या आयोनाइज करा पाए ओ हाँ बाकी वो फिर इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं उन फोटॉन्स के साथ में बाकियों के साथ ओके सर थैंक यू सर ठीक है बोलो राघव समझ गया सर थैंक यू सर जैसे अभी जो मीथ था आपने मीथ को जैसे समझाया कि
नीचे की एक के बाद एक अगर हम फोटॉन्स भेजें तो भी वो सक्सेसिव एक्साइटेशन नहीं होती उसकी, तो ये इम्प्रोबेबल है। इम्प्रोबेबल क्यों है? मतलब अगर हमने पहले सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो ना, अगर हाँ सर इधर, अगर हमने पहले उसको 10.2 ईवी का दिया हमने तो वो N2 में चला गया, एंड हम अगर मतलब आपने बोला कि बहुत कम टाइम गैप होता है, तो मतलब अगर हमने उतने कम में भी एक और दे दिया विच हैज सफिशिएंट एनर्जी या इक्वल एनर्जी टू गो टू E3, तो फिर क्यों नहीं होगा? तो मैंने वही तो बोला ना, पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, आई एम नॉट डिनाइंग द पॉसिबिलिटी ऑफ इट, आई एम सेइंग दैट इट इजंट समथिंग व्हिच इज प्रोबेबल। तो जैसे हम लोग जब ये स्पेक्ट्रम का एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, जब हमें ये देखना होता है कौन से फोटॉन्स अब्जॉर्ब हो रहे हैं, एमिट हो रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारा सैंपल लेते हैं और सैंपल के ऊपर रेडिएशन थ्रो करते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ से जो बाहर निकलता है उसको एनालाइज करते हैं, राइट। अब जो भी हम थ्रो कर रहे हैं, ये मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ फोटॉन्स जा रहे होंगे, ठीक है, पता नहीं कितनी पावर ऑफ 10 में। अब उनमें से जो मोस्ट ऑफ द फोटॉन्स हमें आउटकम दिखा रहे हैं वो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एज पार्ट ऑफ आवर स्पेक्ट्रम, राइट। अब कुछ एक ने अगर यहाँ अंदर ये मल्टी फोटोन एक्साइटेशन कर भी दिया, तो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन एटलीस्ट इन एक्सपेरिमेंट से नहीं डिटेक्ट हो पाती है सर। फिर मतलब उसके लिए और कम फोटॉन्स भेजने पड़ेंगे, मतलब बहुत ही पतली बीम छोड़नी पड़ेगी लाइट के लिए। हाँ, मतलब दैट इज व्हाट वी आर सेइंग कि उसमें रिसर्च है, ऐसा नहीं है कि इस पे रिसर्च नहीं होती है, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि अगर आप इसका रिसर्च पेपर भी देखोगे ना, तो उसमें यही लिखा होता है दैट दिस मल्टी फोटोन एक्साइटेशन, आप जस्ट ऐसे गूगल पे करना मल्टी फोटोन एक्साइटेशन रिसर्च पेपर, तो उसमें ये एस्पेक्ट्स मिलेंगे, लोग स्टडी करते हैं इसको, ठीक है। तो इट इज अ फिनोमेना, हाउएवर इन जनरल सेंस इट इज एन इम्प्रोबेबल फिनोमेना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इजंट समथिंग व्हिच इज हाईली लाइकली। तो सर ये हाई लाइक प्रोबेबिलिटी क्यों नहीं होता इसमें? वो क्योंकि अभी आपने तो बताना रीजन क्या है उसके, वो इलेक्ट्रॉन उस एक्साइटेड स्टेट में रहना ही नहीं चाहता है, इट इमीडिएटली वांट्स टू डीएक्साइट बैक इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, राइट। तो उसी टाइम ड्यूरेशन में अ फोटोन इंटरैक्ट्स विद द इलेक्ट्रॉन इन दैट वे कि इट इज एबल टू एक्साइट इट। अच्छा, ओके सर, गॉट इट, थैंक यू सर। All right. Then next, हाँ, राघव बोलो। So, मैंने अभी जस्ट पूछा। अच्छा अच्छा, हाँ बोलो तन्मय। सर मुझे डाउट था कि अभी हम 10.2001 का इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होगा क्या? सी अभी जितना अपन ने पढ़ा उस हिसाब से नहीं, ठीक है, बट हम लोग देखेंगे जब आगे हम लोग शेल सब शेल जब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की बात करेंगे ना, तो उसमें बाद में जब साइंटिस्ट ने हाई रेजोल्यूशन डिवाइसेस बनाए तो उनको जो पहले वेवलेंथ लामडा वन दिख रही थी कि ये लामडा वन वेवलेंथ अब्जॉर्ब हुई है या yes. हुई है, तो बाद में पता पड़ा कि इट्स अ क्लस्टर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड लाइंस, क्लोजली स्पेस्ड वेवलेंथ्स। ओके, तो वो हम लोग देखेंगे बाद में। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, ऑल राइट, चलो आई होप आज का डिस्कशन वॉज प्रोडक्टिव फॉर यू। मैं ये नोट्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, सॉरी फॉर कीपिंग यू ऑन होल्ड, आप लोग नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर हो जाओ। ठीक है, नहीं नतानिया वो आयनाइज हो जाएगा, अगर आपने इतना फोटोन का एनर्जी सप्लाई किया ना तो इट विल कम आउट ऑफ द एटम। चलो, ऑल राइट, बाय गाइज़।